बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। हज की सआदत सरकारी स्कीम के तहत हासिल करने वालों को फ़ी कर्ज 97,000 रुपये वापस किए जाएंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत हज करने वाले हजाब राम को मजीद 12 अरब रुपये वापस करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के मुताबिक सरकारी हज स्कीम तहत हज पर जाने वाले हर हजी को 97,000 रुपये फ़ी कर्ज के हिसाब से रकम की वापसी पीर से शुरू हो जाएगी। सरकारी हज इकराम को 97,000 रुपये वापस कर रहे हैं। मदीना में दूर रहायश पाने वालों को 1,11,000 रुपये, जिन हजाज को मशायर ट्रेनिंग मिली इन्हें 1,18,000 रुपये, मरकजिया में रहायश और ट्रेन ना पाने वालों को कुल 1,32,000 रुपये मिलेंगे। नामे जगह न मिलने और ट्रेन की सहूलत से मुस्तफीज न होने वाले 22,600 हाजियों को 21,000 रुपये फ़ी कर्ज के हिसाब से अजाफी रकम वापस की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में मरकज से बाहर रहायश अख्तियार करने वाले 18,000 हाजियों को 14,000 रुपये फ़ी कर्ज के हिसाब से अजाफी रकम वापस की जाएगी। बयान में कहा गया कि 63% हजाज को मदीना मुनव्वरा में नज़दीक तरीन रहायश फराम की गई, जबकि 78% हजाज को मन्ना अरफात में मुशायर ट्रेन की सहूलत मुहैया की गई। ओल्ड मन्ना में 39% हजाज को खेमे फराम किए गए। हज से कबल कुर्बानी की मुद में 55,000 रुपये वापस किए गए।